मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी आने वाली नई वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल घर का स्वाद में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी आलू की सब्जी और साथ ही मसाले वाले पूड़ी, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसे आप सुबह के नाश्ते में, बच्चों के टिफ़िन में या सफ़र में बनाकर ले जा सकते हैं। और इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप गेहूं का आटा, 7 से 8 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू, कुछ खड़े गर्म मसाले जिसमें 1 चम्मच सूखा धनिया, थोड़ी सी काली मिर्च, आधी छोटी चम्मच जीरा और 2 सूखी लाल मिर्च। बाकी मसालों में हमें चाहिए 1/2 चम्मच काश्मीरी मिर्च, 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच से कम हींग, बारीक कटा हुआ हरा धनिया और नमक स्वाद के अनुसार। सबसे पहले हम आटा गूंथकर तैयार कर लेंगे, जिसके लिए परात में हम डालेंगे 1 कटोरी गेहूं का आटा, स्वाद के अनुसार नमक, 1 छोटी चम्मच जीरा, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच से कम हींग और 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल, या आप चाहें तो इसमें घी भी डाल सकते हैं। और साथ ही इसमें हम डालेंगे थोड़ा ज़्यादा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जिससे कि पूड़ी में टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और अच्छे से मसलते हुए आटा गूंथकर तैयार करेंगे। आटा पूड़ी का गूंथना है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा ढीला नहीं गूंथेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, आटे को हमने अच्छे से गूंथ कर तैयार कर लिया है। तो आटे को कुछ देर के लिए हम ढक के रख देंगे ताकि आटा थोड़ा सेट हो जाए। तब तक हम आलू की सब्जी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। हमने सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर लिए हैं 7 से 8 उबले आलू। तो सारे ही आलू को हम छोटे छोटे पीसेस में इस तरह कट कर लेंगे, पर आप चाहें तो आलू को हाथ से मैश भी कर सकते हैं। सारे ही आलूओं को हमने कट कर लिया है, तो इसे हम साइड में रख देंगे। यहाँ पर हम कढ़ाई में डालेंगे थोड़े से खड़े गरम मसाले। खड़े गरम मसालों में हमने लिया है 1 चम्मच सूखा धनिया, 1/2 छोटी चम्मच जीरा, थोड़ी सी काली मिर्च और 2 सूखी लाल मिर्च। इन्हें हम कढ़ाई में डालकर थोड़ा सा भून लेंगे। और जैसे ही मसालों में से खुशबू आने लगे, गैस को हम बंद कर देंगे और ये भुने हुए मसाले को अलग से एक बर्तन में निकाल देंगे। इसे हम हल्का सा दरदरा कूट लेंगे, बहुत ज़्यादा बारीक हम इसे नहीं पीसेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, भुने हुए मसाले को हमने इस तरह कूट लिया है, तो इसे हम साइड में रख देंगे। और इसी कढ़ाई में हम डालेंगे घी, जितना हमें सब्जी के लिए चाहिए। जैसे ही घी गर्म हो जाए, हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा जीरा, 1/4 चम्मच हल्दी, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। यहाँ पर हम काश्मीरी मिर्च का यूज कर रहे हैं, जो कि तीखी नहीं होती है पर सब्जी में कलर बहुत ही अच्छा आ जाता है। और डालकर हल्का सा इसे हम भूनेंगे। फिर हम इसमें डाल देंगे उबले कटे हुए आलू। आलू को मसाले में अच्छे से हम मिलाएंगे।
मिलाने के बाद इसमें हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक, और नमक को भी हम आलू में अच्छे से मिला देंगे। और ऐसे ही चलाते हुए आलू को 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मीडियम फ्लेम पर हम भूनेंगे। अब यहाँ पर आलू अच्छे से मसाले में भून चुके हैं, तो अब हम आलू में डालेंगे वो खड़ा गरम मसाला जो हमने भूनकर हल्का सा कूटकर तैयार किया था, और डालकर इसे हम आलू में अच्छे से मिला देंगे। इस मसाले को डालने से सब्जी में टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। आप चाहें तो यहाँ पर एक छोटी चम्मच अमचूर का पाउडर भी डाल सकते हैं, जिससे कि सब्जी में और भी अच्छा टेस्ट आएगा। अभी आलू की सब्जी बनकर तैयार हो गई है, तो अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और बस इसे मिला देंगे। गैस को हम बंद कर देंगे। अब ये आलू की बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर तैयार हो गई है, तो अब हम पूड़ियां बना लेते हैं। तो अब हम आटे को खोलकर चेक करेंगे, और फिर से आटे को एक बार अच्छे से मसलते हुए गूंथेंगे, और फिर आटे में से एक बड़ी लोई लेकर छोटी छोटी पूड़ियों की लोइयां तोड़ लेंगे, और सभी लोई को हम गोल कर देंगे। और लोई पर थोड़ा सा घी लगाते हुए हम पूड़ियां बेलेंगे। यहाँ पर हमने 4 से 5 पूड़ियाँ बेलकर तैयार कर ली हैं। पहले इन्हें हम सेक लेते हैं। इधर हमने तेल गर्म होने रख दिया था, तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो सावधानी के साथ पूड़ियों को हम तेल में डालेंगे, और अच्छे से पूड़ियों को दोनों साइड से हम क्रिस्पी होने तक सेकेंगे। हमने इन पूड़ियों के आटे में घी और मसाले ऐड किए हैं, जिससे कि ये पूड़ियाँ बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगी। बहुत ही टेस्टी आलू की सब्जी और साथ ही मसाले वाली पूड़ियाँ बनकर तैयार हैं। खाने में ये दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। इसे आप अचार के साथ सर्व करें, इन्हें आप सुबह के नाश्ते में, बच्चों के टिफ़िन में, या कहीं आप सफ़र में जा रहे हैं तो भी इस तरह बनाकर ले जा सकते हैं। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।